बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है मेरी स्कूल की छुट्टी, मैंने छुट्टी ली है एक दिन की। तो आज आज नाइट में है एक रिसेप्शन पार्टी, तो उसके लिए मम्मी जी आएंगी गांव से। तो आती हैं तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। और फिलहाल आज तो पूरा टाइम मुझे घर पे रहना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो काम मैं डेली करती हूँ वो तो करूँगी, बाकी एक्स्ट्रा कुछ कर लेती हूँ। जैसे आज मैं मशीन में कपड़े लगा, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने लगा दिया है कपड़े। और उसके बाद कुछ है, एक ट्रॉली बैग है उसे साफ़ करना है, बाकी कुछ कुछ जो मुझे लगेगा थोड़ा बहुत कि है एक्स्ट्रा काम वो कर लूँगी, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि ये तो निकलेंगे ही, तो इन्हें लंच में वही देंगे। और नाश्ते में भी कुछ कुछ लेंगे, साथ में वो भी ले लेंगे। तो आलू गोभी की सब्ज़ी तो सबको आती है बनाने, पर फिर भी मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले हमने लिया है, यहाँ पे आलू को उबाल लिया है और दो तीन आलू को हमने मैश कर लिया है। यहाँ हमने ली है एक छोटी सी प्याज और एक टमाटर और हमने लिया है गोभी। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा गोभी को छोटे टुकड़ों में और थोड़ी सी मिर्च, तो इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डालेंगे तेल और सबसे पहले हम गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये गोभी की सब्ज़ी बनाने में हम बहुत ही कम प्याज डालेंगे ताकि गोभी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और यहाँ गोभी को निकालने से पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। और हमारा गोभी हो चुका है तैयार, तो उसे हम निकाल लेंगे और फिर से डालेंगे तेल और उसमें डालेंगे प्याज। तो थोड़ी सी प्याज चलाने के बाद हम उसमें डाल लेंगे कटा हुआ आलू और उसमें डाल लेंगे हम लोग नमक, ताकि नमक अच्छे से सोख ले आलू। और उसके बाद डाल देंगे हल्दी और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। और उसके बाद डालेंगे एक टमाटर और उसे भी चलाएंगे। और 3-4 मिनट चलाने के बाद जब टमाटर हल्का गल जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे पीसी हुई मिर्च और उसके बाद डाल देंगे हम लोग गोभी। और उसके बाद उसमें डाल देंगे मसाला, तो थोड़ा मैंने डाला है धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर और जीरा पाउडर। इसे भी 3-4 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने मैश किए थे, एक दो आलू हमने मैश किया था। तो हमें ग्रेवी जिस अनुसार से रखनी है उसी अनुसार हम लोग उसको आलू को मैश करेंगे। तो हमने एक दो आलू मैश किया था क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी थी। और फिर उसे भुनने के बाद हम लोग डालेंगे पानी, तो जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा पानी रख सकते हैं। और इसे 3 से 4 मिनट तक में ये गोभी पक जाएगी, आप देख लीजिएगा। गोभी जब पक जाए तो इसे आप बंद कर लीजिएगा और बंद करने के बाद इसमें फ्रेश हरा धनिया डालिएगा। तो ये तैयार हो गई सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें गोभी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये इधर काट रहे हैं फल, तो आज हम लोग फ्रूट में लेंगे सेब और अंगूर। इधर मैंने रोटियां तैयार कर रखी है, तो आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो आज इन्हें मिलेगी गर्मा गर्म रोटी और सब्ज़ी। क्योंकि अगर हम लोग जब दोनों जाते हैं तो गर्म तो खाना नसीब नहीं हो पाता है, तो जब मेरी छुट्टी है तो ये गर्म गर्म सब्जी और रोटी खाएंगे। और इधर मैं लगा रही हूँ इनका लंच, पैक कर रही हूँ। तो मैंने रोटी लिया है, सब्जी लिया है और साथ में थोड़ा सैलेड भी डालेंगे, तो आज ये सैलेड भी ले जाएंगे। और ये रेडी हो रहे हैं जाने के लिए ऑफिस। और यहाँ मैं सब्ज़ी निकाल ली हूँ ताकि मैं सारा चीज़ मांझ कर रख सकूँ। और इसके बाद मम्मी जी आने वाली हैं, कुछ देर बाद मम्मी जी आएंगी, तब तक मैं इधर बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ चाय लेकर के, और चाय लेने का मतलब है कि मम्मी जी आ चुकी है। तो बोलिए मेरी मम्मी जी से, मम्मी जी हेलो करिए। हेलो। तो आप भी, मम्मी जी आई हैं और ये हम लोग चाय बना के लाए हैं, तो अब हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद दिखाते हैं मम्मी जी गांव से क्या क्या लेके आई हैं। तो ये थैला लेके आई है मम्मी जी, तो अब इसको खोल के दिखाते हैं कि मम्मी जी क्या क्या लेके आए हैं। ये तो मम्मी जी का रुमाल और ये है चूड़ा, फट गया मम्मी जी, कोई बात नहीं इसको रख देंगे। चूड़ा है और ये देखिए भाई, तो बहुत बड़ा है मम्मी जी। ये कद्दू देखिए कितना बड़ा है मम्मी जी, तो क्या करें होगा।
ठीक है। और ये कद्दू तो अभी 2 दिन चलेगा, बेबी जी को दे देंगे अगर रहा तो, नहीं तो देखते हैं। और इसमें है पता नहीं, धनिया पत्ती, हाँ बताते हैं, इसमें है बैगन, एक बार और मम्मी भेजी थी वही है, देखिए बैगन, एक और बैगन। तो ये सारी चीजें घर की ही है इसलिए मम्मी जी लेके आई है। इसमें है धनिया पत्ती और इसमें क्या है मम्मी, अमरुद। और इसमें है अमरुद जो कि बहुत टेस्टी रहता है, देखिए कितना टेस्टी है और पूरा फ्रेश है, तो आज चलेगा अमरुद। सबसे अच्छा चीज तो यही है। और उसके बाद कुछ आटा नहीं, थोड़ा प्रसाद, सा मम्मी जी, ये क्या है मम्मी जी, ये प्रसादी है जी, और ये थोड़ा सा आटा लाई थी मम्मी जी घर से, तो बस इतनी सारी चीजें लेके आई थी और अब मम्मी जी रेडी हो गई हैं साफ सफाई के लिए। तो यहाँ पे आए हुए हैं छोटू मम्मी जी से मिलने के लिए, और यहाँ देख रहे हैं पूरी की तस्वीरें, फुल फैमिली हम लोग गए थे दिसंबर में, मम्मी जी भी देख रही, और यहाँ छोटू। देखिए टॉपी वाले, ये हैं भैया और भाभी, और यह है मेरा और मेरे हस्बैंड का फोटो, दिखाइए मम्मी जी। नहीं मम्मी जी, अच्छा पीछे, हाँ पीछे है। वो जो हम लोग पहने हुए थे मम्मी जी, ये वाला। हाँ ये भैया का देखिए अकेले, ओहो भैया अकेले, ये दोनों बच्चा पार्टी, भैया और भाभी, ये हमारे साहेब जी हैं। हाँ अच्छा, और ये मम्मी ये जी, नाना जी, नानी जी, मम्मी जी और पापा जी, नाना जी। तो ये है पूरी की कुछ तस्वीरें, तो हम लोग लास्ट दिसंबर में गए थे पूरी, तो वही इन लोग तस्वीरें देख रहे थे, तो मैंने इसका भी क्लिप ले लिया। अभी हो गया है दोपहर का समय और यहाँ पे हम लोग लेंगे नींबू का चाय। तो यही था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।